सोम सूर्ययो राज्यां चोभयवंश्यानां चरितं परमार्भुतम्। महाराज आपने इतने अद्भुत चरित्र सुनाए, मेरा मन गदगद हो गया, मैं भी प्रसन्न हो गया। अब मुझे मेरे कन्हैया की कथा सुना दो। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्रा अंशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसना। अरे यशोदा जी के गर्भ में, यशोदा जी के जीवन में, मेरे यदु के वंश में, वो मेरे यादव, वो मेरे कन्हैया कैसे आए, हमें सुना दो। कैसे आकर हरण की रक्षा की, ये कथा हमें सुना दी। करो कृपा प्रभु, भगवान की कथा से तो भूख प्यास समाप्त हो जाती है। जिन्हें कथाओं का चस्का लग जाता है ना, फिर ठंडा पीने का चस्का नहीं पा पाता। हाँ ना मने चेत के चाहिए जी, न चस्का लाल फरारी का, मने चस्का लग गया से कृष्ण मुरारी का। एक चस्का पालो भगवान के भजन का, नहीं शादी दुःसह सन्मा त्यक्तो अदमदमपि बाधते पिबन्तं त्वारमुखाम्बुज अच्युतम् हरिकथा अमृतम्। गुरु जी ने ऑफर किया, राजन पानी पी लो, चार दिन हो गए लगातार पानी पी। इनाम आ रहा, कोई भूख नहीं, अब नींद किसे, अब चैन कहाँ, मैं तो नाचूं वहां मेरा श्याम जा। अब नींद किसे, अब चैन। अरे त्वन मुखाम बोध अच्युतम हरि कथा अमृतम, आपके मुख से निकली हुई कथा का अमृत पीने से मेरी भूख प्यास समाप्त हो गई। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत् प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। वसुदेव देव घर में साक्षात हमारे कन्हैया का अवतार होगा, जो आकर के लोगों के मनोरथों को सिद्ध करेंगे, भक्तों के दिलों को प्रेम से भर देंगे, ऋषि मुनियों को आनंद दे देंगे। बोलो कन्हैया लाल की। अजब ऐसी बातें होने लगी, सुनाओ महाराज। कि विधि ने ऐसा मचाया विध्वंस, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद और उग्रसेन के कंस। उग्रसेन धर्मात्मा राजा थे, उग्रसेन के अनेक बेटे हुए, एक बेटे का नाम है कंस। जब ये पैदा हुआ, बादल गरजे थे, खून की बरसात हुई थी, गीदड़ हुए थे, सबने कहा ये अपशगुन है। जब ये बड़ा हुआ, पहलवान बन गया, कुश्तियां लड़ने जाने लगा। आजकल भी कुश्तियों का बड़ा जोर है पंजाब में, तो 10-10 लाख की कुश्तियां होती हैं। ये कुश्तियों का दंगल कंस आदि ने, हिरण्यकश्यप आदि ने चलाया था। ये दंगल जो होते हैं ना, ये कंस कुश्तियां लड़ता था। हमारे कन्हैया गौएं चराते थे और कंस कुश्तियां लड़ता था। जगह जगह महाराज कुश्तियां हो रही थी, माली जीतता है, अघासुर बकासुर रेणुकासुर केशी तृणाव्रत पूतना काकासुर व्योमासुर बड़े बड़े राक्षसों को जीत लिया। जरासंध के यहाँ बिहार में कुश्ती लड़ने गया, वहां पर भी माली जीतता है। जरासंध ने दोनों बेटियों का विवाह, अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से कर दिया। कह दिया बेटा वीर हो गया वो सुंदर, बलवान होते हैं वही राजा होते हैं। जाओ जाओ राज काज।
पिताजी को बोलो हमें राज दे दो, नहीं तो पिताजी को जेल में डाल दे, मेरी सेना तेरे साथ, मैं तेरे साथ। ससुर के कहने पर चला पिताजी को जेल में बंद करके, खुद राजा बन गया। अनाप शनाप टैक्स लगा दिए, जनता त्राही त्राही करने लगी। जब दुष्ट राजा बनता है तो जनता परेशान होती है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है गोकुल। नंद बाबा माँ यशोदा वहीं रहती हैं, बड़े प्रेम से भगवान का भजन करती हैं, पर घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन साधु संत आ गए, माँ यशोदा ने बढ़िया मालपुड़े और खीर खिलाई। देसी घी के गाय के घी में बने थे मालपुड़े, डालडे गाड़े बाजार का घी ले आए, कंडी पुड़े खाए, कोनी गंदे पिंडे जी। गाय का घी खाने वाले लोग हैं हम तो भाई, घर में गाय रखो। बोलो गौ माता की आशीर्वाद दे दिया ब्राह्मणों ने, जाओ हमारा आशीर्वाद है तुम्हें छोरा होगा। माता जी कहने लगी बाबा कमाल करो, 75 साल की हो गई, इस उम्र में छोरा होगा? आशीर्वाद दे दिया बेटी तो छोरा जरूर होगा, हमारा आशीर्वाद है। लगे पाठ होने लगी, पूजा होने, धरती गाय का रूप धारण करके आई। धरती ने किसका रूप लिया? अरे बोल दो, अभी आपने सुना कि धरती भैंस बनी, ये धरती बकरी बनी, धरती जब भी बनी तो क्या बनी? अरे बोलो, इसलिए घर में क्या होनी चाहिए? बोलो गौ माता की क्या होनी चाहिए घर में? रखी क्या है? भैंस। रखा क्या है? जर्सी। जर्सी नहीं चलेगी, भैंस नहीं चलेगी, चलेगी तो कौन? देसी गौ। अरे ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ, जो गाय घर से निकल गई। अब हालत देख लो, क्या फिर से एक और पाकिस्तान बनने को तैयार है? बड़ी जल्दी हो जाएगा, उनका टारगेट क्लियर है 2035-40 के बीच उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि इतने बच्चे हमारे हो जाएंगे। अब एक आदमी कम से कम उनका 10-15-15-20-20 बच्चे पैदा कर रहा है, और हम लोग एक एक, और वो भी विदेश। क्या होगा? उनका टारगेट क्लियर, उनका क्लियर है, और हम आप लोग बड़े सोए हुए लोग हैं, बहुत सोए हुए। कुंभकर्ण भी जाग जाता था 6 महीने बाद, और हम आप लोगों को सोए हुए 60 साल हो गए, अभी तक सोए हुए हैं, आगे भी सोए रहेंगे। अभी इतना मैंने बोल दिया, फिर भी सोए रहेंगे। बोलो हरे कृष्ण। जी जागो भैया जागो, वरना हालात खराब होने में देर लगने वाली नहीं है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जोर से कह दो, सब लगे प्रार्थना करने, भगवान अवतार ले लो। गौ माता चली, साधु संत चले, भगवान जी ने वचन दिया मैं जल्दी प्रकट हो जाऊंगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कितने लोगों के लिए भगवान अवतार लेते हैं? ब्राह्मण धेनु मैं। अरे बोल दो, सुर सुर देवता संत संत, इन चार लोगों के लिए आते हैं प्रभु। बोलो हरे कृष्ण। भजन दे दिया मैं जल्दी आऊंगा, और कंस ने भी एक भंडारा रख दिया अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय कर दिया। खूब रोने लगा, साथ में आगे चला रथ पर, आकाशवाणी हो गई, अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो अंतायाः से अबुधः। हे मूर्ख, इसका आठवां गर्भ तेरी मौत होगा। सारा भाई बहन का प्यार खत्म, ये दुष्ट लोग किसी के नहीं होते। तुरंत तलवार निकाल ली, भगने महंतुम आरवदः।
खड़ग पानी कटी अग्रही हाथ में तलवार लेकर गए मारने के लिए चल पड़ा। वसुदेव जी कहने लगे कृपणा पुत्री को पवा हंत मनारहसे कल्याणी तुम दीन वत्सल हो। अरे अपनी बहन को इस समय मारोगे भाई बहन का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। मृत्युर जन्म तामेर देहे न सह जायते आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा महाराज। फिर भी बच्चों से कष्ट है पुत्रान समर्पयी से यस्ते भयम उत्थितम। जिन बच्चों से तुम्हें कष्ट है वो बच्चे तुम्हें सौंप दिए जाएंगे जेल में डाल दिया महाराज। एक दो तीन चार पांच छह बच्चे तो मार दिए। सातवें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आठवें गर्भ में भगवान जी आ गए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान कौन से नंबर के पुत्र हैं? अरे बोलो बोलो तो हमारा आठवां पुत्र हम आपका पुत्र आठवां कहाँ है? अब तो एक एक बच्चे तो भगवान आने भी बंद हो गए बोलो हरे हर्ष हर्ष। अरे पहले पाले पांच छह छह बच्चे होते थे बुढ़ा बुढ़ी राज करते थे मजे से बिस्तर पर बैठकर हुक्का पीते थे हुक्का ऐसे पांच छोकरे जो करेगा सेवा मिलेगा मेवा। निकलो यार अब तो राज करने का ऑप्शन खत्म हो गया। अगर आज भी राज करना है तो कितने बच्चे चाहिए घर में जल्दी बोलो? कम से कम चार लड़के लड़कियां तो जितनी भी हो जाएं कम है क्या दस हो जाए। बोलो हरे कृष्ण। अगर किसी को डर सताए कि कैसे खिलाएंगे क्या करेंगे तो चिंता मत करना पंडित जी आए हैं आपके यहाँ। किसी के ज्यादा बच्चे हो तो हमें सौंप दो हम बना देंगे पापा वापा खूब गौ सेवा करवाएंगे। देख लेना किसी के हो ज्यादा बोलो राधे राधे बोलो हरे कृष्ण। अब देवी देवता आने लगे और आकर के गर्भ स्तुति गाने लगे। ये गर्भ स्तुति सबको गानी चाहिए बड़ी प्यारी है। हरी हरी हाँ और महाराज गर्भ स्तुति गाई देवी देवताओं ने बड़े प्रेम से भगवान जी अष्टमी के दिन प्रकट हुए हैं। भादो मास के कृष्ण अष्टमी भादो मास के कृष्ण अष्टमी आज भगतो समय हुआ होगा जब भगतो समय हुआ सबने ठीक है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणागतं कृष्णा शरणागतं ताहि स्वागतं कृष्णा बधाई हो मथुरा के वीर में प्रकट भय 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 वसुदेव जी ने उठाया टोकरी में डाला ऐसे सिर पे रखा ओहो सारे ताले खुल गए पहरेदार सो गए और कन्हैया को लेकर वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल में। कोई मक्खन नहीं खिलाएगा भाई क्योंकि मैंने खिलाना खिला दी। मेरी गली बिच आशामा राता हो गया जानिया मेरी गली बिच सबके पास आएंगे जिसने भी भेंट देनी हो आराम से लेना उठा लो जरा दो लोग पकड़ के ले जाओ सब आगे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी पहले देवताओं के पास ले जाओ एक बार जय हो एक बार जय हो कटोरी एक बारी जय हां भोग लगा शमा
दुनिया जान लिया।